বিরোধীদের আগে এই অনুমান ছিল যে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে বড় কোনো চমক লুকিয়ে রেখেছেন মোদি সরকার। তবে নতুন সংসদ ভবনে গিয়ে সেই চমক কি জানা গেল। মঙ্গলবার সংসদের বিশেষ অধিবেশনে লোকসভায় পেশ করা হয় মহিলা সংরক্ষণ বিল, আর এই বিলে বলা হয়েছে দেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে সংসদ এবং প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভায় মহিলাদের 33% আসন সংরক্ষিত থাকবে। বুধবার অধিবেশনের তৃতীয় দিনে এই বিল নিয়ে বিতর্ক আলোচনা শুরু হয়। বুধবার সংসদে বিতর্কের সূচনা করলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম 2023 নামে পেশ হওয়া বিলটি সমর্থন করে ভাষণের শুরুতেই কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা সোনিয়া অভিযোগ করেন এই বিলে অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণী ওবিসির মহিলাদের বঞ্চনা করা হয়েছে। দাবি তোলেন ওবিসিদের সংরক্ষণের আওতায় আনতে হবে। আর এই বিলের ব্যাপারে কংগ্রেসের কৃতিত্ব দাবি করতে গিয়ে সোনিয়া তার প্রয়াত স্বামী প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর অবদানের কথা উল্লেখ করেন। धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे, उन्होंने लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्ह राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं, और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष? 4 वर्ष? 6 वर्ष? 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की दिया। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए।